ऐसा है कार्यकर्ता अपने नेता में जिसमें विश्वास रखते हैं उसके लिए जो उसमें कोई नारेबाजी लगा देते हैं उसमें ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो अनुशासनहीनता की है किसी ने तो उसके जो विजुअल्स हैं, फोटो हैं, वीडियो हैं, वो बन रही हैं, वो चाहे कोई किसी भी पक्ष का कोई भी आदमी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, हम जो AICC कोऑर्डिनेटर जो न्यूट्रल आदमी हैं वो अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि किन आदमियों ने व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है, अनुशासनहीनता की, और जिसके रिपोर्ट में आएगी अनुशासनहीनता जो रिपोर्ट में, उस पर हम समुचित कार्रवाई करेंगे। उसमें कोई भी वो व्यक्ति हो, अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, अपने नेता के लिए लड़ाई लड़ने का सबका अधिकार है, लेकिन अनुशासन में, शालीनता में, संयम में अपनी बात रखें, और उसके बाद जो तय करना है वो तो नेतृत्व को तय करना है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कोई बदतमीज नहीं। क्या लगता नहीं इससे पार्टी छवि खराब होती है, पार्टी कमजोर होती है? अशोक तंवर के दौरान झगड़े होते हैं कांग्रेस में, आज भी झगड़े हो रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है, अभी ऑब्जर्वर आए हैं बाहर से तो लोगों में जोश बना है, क्योंकि ये लग रहा है कि भाई चुनाव भी अभी हो सकते हैं नज़दीकी दिसंबर में, तो थोड़ा सा और कार्यकर्ताओं में जोश, और यहाँ जो हालात है हरियाणा में उनको देख करके, क्योंकि कार्यकर्ता और सभी लोग इस सरकार से बहुत बेहद दुखी हैं, और कार्यकर्ता को ये बैठे हुए हैं कि कब इनसे छुटकारा मिले, और कांग्रेस के समय जो प्रदेश में जो आंधी चल रही है उसकी वजह से स्वाभाविक है जोश बनता है, कई कई आदमी मुख्यमंत्री के भी दावेदार हैं, कई कई आदमी जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कई आदमी प्रदेश में और AICC में पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो वो जोश में, लेकिन ये जोश ये भी बताता है जो आप बात कर रहे हो, वो जोश से ये भी बात पता लगती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, उत्साह भी प्रकट होता है उससे। हाँ, लेकिन बदतमीजी अगर कहीं भी है, कोई अनुशासनहीनता है किसी को, तो उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई नारेबाजी है तो उस पर कोई ऐसी बात नहीं। देखिए प्रयास ये चल रहा है, आपको पता है कि अब तो सारा AICC तक इन्वॉल्व है भाई, बात ऐसा है कि ये हमारी कोई वन मैन शो पार्टी तो है नहीं, ये चौटाला वाली पार्टी तो है नहीं, या दुष्यंत चौटाला की हो या अभय चौटाला की हो, जिसमें एक ही आदमी फैसले लेता है, एक आदमी जिसको भी कान पकड़ के बना दे, आज बना रहा है 10 दिन पीछे उसको हटा दे, दूसरा बना दे, ऐसी तरह कांग्रेस पार्टी में बहुत फैसले लिए जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं, सारे ऑब्जर्वर आते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए सक्रियता तो कितनी बड़ी हुई है, जब इतने सीरियसता है, इतनी गंभीरता से इसको ले रहे हैं कि हमारे प्रभारी जी ने पूरे प्रदेश में सभी लोकसभा क्षेत्रों में खुद पर्सनली जा बुला करके एक एक कार्यकर्ता से सलाह मशवरा किया है, और उसके बाद में फिर AICC कोऑर्डिनेटर की टीम बनाई, 11 टीम बनाई, साथ में PCC की तरफ से ऑब्जर्वर उसमें जोड़े, तो ये गंभीरता बताता है कि गंभीरता से इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है, और बहुत जल्दी ये प्रक्रिया संपन्न होगी और साहब के सामने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।